नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। आपको आज हम एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद में आप भी सोचेंगे कि ये क्या हुआ। तो आइए हम आपको एक बार उस खबर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं कि बार बार राजस्व विभाग को एप्लीकेशन दे देकर खुद ही अपना खुद का ही नुकसान करवा बैठा एप्लीकेशन देने वाला व्यक्ति। ये मामला है उन्नाव के पंचम खेड़े का। पिछले कई दिनों से पंचमखेड़ा निवासी भगवान शंकर पुत्र राम भजन राजस्व विभाग को प्रार्थना पत्र देते आ रहे थे कि गाटा संख्या 1801 को लेकर आरोप लगाया था कि अमर सिंह निवासी ग्राम पंचमखेड़ा मेरे खेत को जोते हैं। राजस्व विभाग की टीम ने जांच पड़ताल करके दिनांक 16/5/2023 को दोनों पक्षों को समझा बुझा कर निस्तारण करा दिया था। दोनों पक्ष सहमत हो गए थे। प्रार्थी ने पुनः प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग को दिया कि मैं सहमत नहीं हूं, मेरी पैमाइश पुनः की जाए। इस बार एसीओ कानूनगो पुत्तीलाल, लेखपाल ब्योली इस्लामाबाद शहनवाज व लेखपाल गौरव श्रीवास्तव और थाना बेहटा मुजावर हल्का इंचार्ज किशोरीलाल कांस्टेबल सुभाष चंद तथा ग्रामवासियों की मौजूदगी में एसीओ ने इस प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए देखा। प्रार्थी जो प्रार्थना पत्र दे रहा था वह गलत रेत दे रहा था। मौके पे पैमाइश करने के बाद पता चला कि गाटा संख्या 1801 का रकबा 0.116 हेक्टेयर आबादी से प्रभावित है। शेष रकबा शिकायतकर्ता के कब्जे में पाया गया। आरोपी की गाटा संख्या 1802 का लगभग 0.040 हेक्टेयर अमर सिंह की जमीन शिकायतकर्ता के पास पाई गई, जो कि निशानदेही करा दी गई। दोनों पक्षों का निस्तारण करा दिया गया तथा दोनों पक्षों के बीच अब सहमति बनी हुई है। लेकिन इस प्रकार की पहली कार्रवाई देखने को मिली जब राजस्व विभाग की टीम पुलिस प्रशासन के साथ में मौजूद होकर के इतनी सख्ती के साथ, इतनी जो है एक्टिविटी के साथ में, मुस्तैदी के साथ में इस मामले का निस्तारण करते हुए दिखाई दी। जबकि राजस्व विभाग के जितने भी मामले हैं वो सालों से पेंडिंग पड़े रहते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार की सुनवाई तक नहीं होती। ऐसे में यह जो जब से देवरिया कांड हुआ है, देवरिया कांड में सभी लोगों को पता है ब्राह्मण और यादव के परिवार के बीच में भिड़ंत में कई निर्मम हत्याएँ हो गई, जिसके बाद में प्रशासन और शासन लगातार एक्शन में है। अब किसी भी प्रकार की देवरिया जैसी कोई घटना ना घटे, इसीलिए सारे विभाग के लोग पूरी तरीके से एक्टिव हैं, मुस्तैद हैं और दोबारा ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना घटे।